भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री अमरजीत यादव के निर्देश अनुसार एवं जिला प्रभारी लक्ष्मण पंडित के मार्गदर्शन में जिला जामतारा ओबीसी मोर्चा का विस्तार एवं गठन किया गया, जिसकी आज विधिवत घोषणा जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सोमनाथ सिंह की सहमति से की गई। उपाध्यक्ष मनोज मंडल, वासुदेव मंडल, अधिवक्ता धर्मेंद्र वर्मान आदि को अधिवक्ता बनाया गया। आईटी सेल जिला संयोजक संदीप गुप्ता, सह संयोजक उदय कुमार दत्ता, टिंकू यादव को बनाया गया। सोशल मीडिया जिला संयोजक तीर्थनाथ मंडल, सह संयोजक मनु कुमार यादव, प्रकाश मंडल को बनाया गया। 28 जिला कार्य समिति सदस्य बनाए गए हैं। 14 मंडल अध्यक्ष की सूची शशि यादव, मानिक राय, गोराई नाला, वासुदेव महतो, मनोज मंडल, गोरा चांद मंडल आदि को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। घोषणा के क्रम में ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत प्रसाद यादव, जिला भाजपा के महामंत्री सुमित सरन, प्रवास एवरम, जिला उपाध्यक्ष मितेश शाह, जिला मंत्री कुणाल सिंह, जिला मीडिया प्रभारी देवेंदु नायक, जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जावेद अंसारी उपस्थित थे। ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष रंजीत यादव जी ने बताया कि यह टीम प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में एवं जिला प्रभारी लक्ष्मण पंडित जी के सहयोग से बनाई गई है। टीम में ओबीसी के सभी वर्गों को स्थान दिया गया है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ओबीसी मोर्चा के वर्तमान नव नियुक्ति पदाधिकारी कार्य समिति सदस्यों मंडल अध्यक्ष के प्रयास से पार्टी को नया मुकाम तक पहुंचाएंगे। सभी पदाधिकारी एवं कार्य समिति सदस्य मंडल अध्यक्षों को नया पारी के लिए शुभकामनाएं दिया। भाजपा महामंत्री सुमित सरन जी ने भी सभी ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए भरोसा जताया कि सभी नव नियुक्ति पदाधिकारी के प्रयास से जिला भारतीय जनता पार्टी एक मुकाम को पाएगा, जिसमें पार्टी को बल मिलेगा। प्रभास एब्रम जी, कुणाल सिंह जी, मितेश शाह जी ने सभी पार्टी के नव नियुक्ति पदाधिकारी को शुभकामनाएं दी। प्रभारी सोशल मीडिया श्री देवेंदु नायक जी इस घोषणा के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। जिला ओबीसी मोर्चा के जो कमेटी है, इसमें मुख्य रूप से पदाधिकारियों का नाम मैं बता रहा हूँ। जिला उपाध्यक्ष मनोज मंडल जी, श्री वासुदेव गोराई जी, श्री अबोध पंडित जी, श्री मुकेश कुमार यादव जी, ये उपाध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के। जिला महामंत्री श्री महेंद्र मंडल जी, श्री मनोज राय जी, ये जिला महामंत्री के रूप में। जिला मंत्री के रूप में श्री शांति धीवर, श्री सुखेन मंडल, श्रीमती छंदा भंडारी, श्री ये जो है जन कोषाध्यक्ष के रूप में नागेश्वर मंडल जी को चुना गया है, मनोनीत किया गया है। कार्यालय मंत्री के रूप में श्री शिवू मंडल जी को, सह कार्यालय के कार्यालय मंत्री के रूप में श्री प्रेमलाल सिंह जी को, मीडिया प्रभारी श्री राहुल आकाश जी को और सह मीडिया प्रभारी श्री अभिषेक यादव, श्री गौरी शंकर मातो जी को बना मनोनीत किया गया है। इसमें लीगल सेल, आईटी सेल, सोशल मीडिया सहित कार्य समिति के सदस्य, जो 30 सदस्यीय कार्य समिति सदस्य बनाए गए हैं। मंडल अध्यक्षों की सूची मंडल अध्यक्ष की घोषणा की गई है, जिसमें इस तरह का नाम है जिसको बताया जा रहा है, जो है श्री शशि यादव जी मिहिजाम नगर के अध्यक्ष बनाए गए हैं। श्री मानिक राय जी को गोरई नाला का मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। श्री वासुदेव महतो जी को जामतारा ग्रामीण का मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। श्री धीरज प्रसाद जी को जामतारा नगर का अध्यक्ष बनाया गया है। श्री मनोज मंडल जी को पदिया का अध्यक्ष बनाया गया है। श्री मोहन राय जी को नारायणपुर का, श्री निरंजन मंडल को गोपालपुर, श्री जयदेव मंडल को कर्माटार, श्री सचित यादव को बिंदापाथर, श्री गया प्रसाद महतो फतेहपुर, श्री परिमल मंडल कुंडही, श्री तन्मय मंडल बागडेरी, श्री पूर्ण चंद्र पाल नाला, गोराचंद मंडल खेरा का मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जिला का जिला पदाधिकारी का सूची जारी कर दिया गया, मंडल अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अमरदीप यादव जी के
मैंने प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में और जिला प्रभारी लक्ष्मण पंडित जी के श्री लक्ष्मण पंडित जी के सहयोग से ये कमेटी बनाई गई है। आशा ही नहीं, पूरा उम्मीद करते हैं कि ये कमेटी जामतड़ा में ओबीसी मोर्चा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को एक नई मुकाम देगी और अच्छा से काम करके पार्टी का जो मुकाम जो है, जो ऊंचाई है, उसको देने का काम करेगा। यही बात बोल के अपना वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद।